हेलो एवरीवन, दिस इज संजय और आप देख रहे हो यहाँ पे फाइन आर्ट्स गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाने वाला डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। इसे बनाने के लिए सिंपली दोस्तों आपको इस तरह से एक यू शेप बनाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को यूज़ करके और एक बड़ा सा यू शेप आपको बनाना है। सिंपली दोस्तों आपको इस तरह से इसे नीचे की ओर लेते जाना है। अब आप देख सकते हो इसे मैं कैसे फोल्ड कर रहा हूँ। देन आफ्टर आपको यहाँ से फोल्ड करते हुए इतना बड़ा सा यू बना लेना है। अगर आपको यह डार्क नहीं दिख रहा तो मैं इसे डार्क करके भी दिखा दूंगा आपको कि ये कैसा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों इसके लास्ट पॉइंट में और एक यू शेप आपको बनाना, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। चलिए ये मैं आपको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ पेंसिल को और एक बार इसमें चला कर, ताकि आपको नीट एंड क्लीन अच्छे से डार्क दिख सके। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हो आप, ये कुछ इस तरह से दिखेगा डार्क करने के बाद। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना और इस सर्कल के अंदर और एक सर्कल बनाना। तो उसे कैसे बनाएंगे, चलिए ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा डायग्राम पूरा का पूरा, जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो विद इन कम से कम 3 मिनट, काफ़ी है इसके लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना आसान है। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करें मेरे साथ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको छोटा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको इसे नीचे की ओर लेते जाना है इस तरह से, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पर और एक छोटा सा फोल्ड करना है जैसा कि आप देख रहे हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इस लाइनिंग को आपको ऊपर की ओर बढ़ाना है इतना दूर तक, एंड देन इसके बाद दोस्तों आपको ये बड़ा वाला लाइन को ऊपर की ओर लेते जाना है इस तरह से बनाते हुए, और उसके बाद यहाँ तक आपको ले जाकर इसे छोटा सा एक फोल्ड भी करना है आपको। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए यहाँ से आपको इसे घुमाना है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप इसे नीट एंड क्लीन देख सको। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको बैक आना है इतना दूर तक। इतना दूर तक बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और दो लाइन बनाना है। दो लाइन बनाने के लिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से एक छोटा सा फोल्ड करना है, इसके बाद उसके ऊपर ले जाकर यहाँ तक, देन आफ्टर और एक छोटा सा फोल्ड करके इससे ज़्यादा बड़ा बना देना। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम लोगों को इसे नीचे की ओर लाना है और दोनों लाइन को मिलाना नहीं है, जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ तक आपको लाकर इसे छोड़ देना है जैसा कि आप देख रहे हो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, जो गॉल ब्लैडर होता है उसे बनाना है, जो यहाँ पे होता है। सिंपली दोस्तों आपको उसके लिए यहाँ से एक पत्ती की तरह, या आप बोल सकते हो बलून की तरह बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली आपको इस तरह से एक छोटा सा फोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऊपर की ओर ले जाकर इसे फोल्ड करते हुए यहाँ से नीचे की ओर लाकर मिला देना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो नसें होती है उस तरह से स्ट्रक्चर दिखाने के लिए सिंपली इसे बना लेंगे और इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं पैनक्रियास को। पैनक्रियास को बना के हम लोग उसे अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे, एंड देन आफ्टर सब जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इसे लेबलिंग कर लेंगे। तो आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे, और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट करें यार, क्योंकि आपके पास समय कम है, यू नो। तो जल्दी से इसे हम लोग कंप्लीट करके लेबलिंग भी कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करते रहो। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन हम लोगों ने बनाया है यहाँ तक, अब हम लोग इसी लाइन को थोड़ा सा कंटिन्यू कर देंगे आगे, उसके बाद हम लोग इसे छोड़ देंगे जैसा कि आप देख रहे हो। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शेप बनाना है आपको इस तरह से। इसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इस तरह से ये डायग्राम में है, जो आपको अपने बुक में भी दिख सकता है। इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों इसे फोल्ड करके हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। अब हम लोगों को इसके ऊपर में और एक लाइन बनाना है, वो कैसा होगा चलिए ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए नीचे मिला देना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को इसके ऊपर में एक लाइन बनाना है इस तरह से। ओके दोस्तों, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पैनक्रियास को बनाना है। उसे बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ से और एक लाइन बनाना है, नीचे की ओर लेते आना है। देन आफ्टर दोस्तों यहाँ से आपको इसे यहाँ ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए लेते जाना है जैसा कि आप देख रहे हो। इस तरह से आपको छोटा छोटा फोल्ड करना है, एंड देन आफ्टर थोड़ा सा लंबा, ओके, जो आप यहाँ पर सर्कल देख रहे हो उससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए।
उसके बाद हम लोग इसे फोल्ड करते हुए नीचे की ओर लाएंगे, यहाँ से और एक छोटा सा फोल्ड करेंगे जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह से, एंड देन आफ्टर जो ये वाला लाइन है यहाँ से हम लोग इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। जो हम लोगों ने लाइन छोड़ा हुआ है देखिए यहाँ पे, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके इस वाले लाइन में जो नीचे दिख रहा है आपको वहाँ पे बनाते हुए हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी हो गया, क्योंकि शेप अंदर में ऑलरेडी है, तो उसी के बराबर में हम लोगों को इसे ले जाना है, देन आफ्टर फोल्ड करके यहाँ पे ज्वाइन कर देना। सो जैसा कि आप देख रहे हो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को जो ये वाला लाइन है इसे कनेक्ट कर देना है इससे। अब क्या करना है दोस्तों, जो हम लोग बीच में छोड़े हुए हैं दो लाइन को, उसमें हम लोग अब काम करेंगे। इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर इसे बढ़ाते जाएंगे लाइक दिस, जैसा कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ इसे कंप्लीट कर लो जल्दी से, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे लेवलिंग भी कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसे आपको छोटा छोटा फोल्ड करना है कांटे की तरह, ये एकदम कांटा की तरह दिख रहा है मेरे को। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके यहाँ पे इसे छोड़ देना है, देन आफ्टर सेकेंड वाले लाइन को फोल्ड करते हुए इस तरह से ओके आपको ऊपर की ओर जाना है, और कोशिश यही करना कि दोनों का जो लाइन है वो पैरेलल एक दूसरे से लगे, ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे और अच्छा भी लगे। तो आई होप दोस्तों आप जो टेक्निक देख रहे हो वो आपको रियल में हेल्प कर रहा है बनाने में। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले ढेर सारे वीडियोज़ आपको देने के लिए। आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पर और एक चीज़ छूटा हुआ है जिसे हम लोग अब बना लेंगे दोस्तों। यहाँ से आपको एक लाइन बनाना है इस तरह से, बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसे ऊपर की ओर लेते जाना छोटा सा फोल्ड करके, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे फोल्ड करते हुए और एक लाइन बनाना है लाइक दिस, एंड देन इसे कंप्लीट कर लेना। तो ये हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा सेट करने वाला है, अगर आपके पास टाइम हो तभी सेट करना। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे इंस्टा यूट्यूब और फेसबुक में अगर आप नए हो तो जल्दी से इस चैनल को फॉलो करो, जल्दी से मेरे इंस्टा को फॉलो करो, क्योंकि यार मेरे इंस्टा में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स अभी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे फॉलो करो मेरे को, और ढेर सारे वहाँ पे भी हम लोग नॉलेज शेयर कर सकते हैं, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट्स गुड। तो आप मेरे अगर इंस्टा में नए हो तो जाके जल्दी से फॉलो करो वहाँ पे, और साथ साथ में अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से ज़रूर क्लिक कर लेना, अगर आपको ऐसा ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ इट्स कम्प्लीटेड। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेलना है मेरे साथ, आपको ये नेम्स आते हैं तो मेरे से पहले आपको बोलना है, जब मैं यहाँ पर डायग्राम को दिखाऊँगा तब आपको उससे पहले बता देना कि नेक्स्ट वन का नाम क्या है। तो लेट्स बिगन दिस गेम, और आई होप इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको याद करने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग खेलते हैं, सो लेट्स गो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देन जल्दी से इसे लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी हेल्प करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, बाय बाय।